एक साल आप कैलकुलेशन जल्दी कर लेती हैं। जैसे उसने खरीदा है कितने में, कब खरीदा है उसने, जैसे 1 फरवरी को खरीदा, 1 फरवरी 2023 को खरीदा और 1 फरवरी 2024 को उसने बेच दिया, तो कितना 1 ईयर हो रहा है पूरा पूरा। तो आप यहाँ पे 1 ईयर की क्या करेंगे फिर, यहाँ पे ये यह है पर ईयर डेप, इसकी एंट्री करेंगे आप। और आपका मंथ, जैसे कि 1 फरवरी को खरीदा है और आपने उसे कब बेच दिया, 1 जून को बेच दिया, तो कितने मंथ हो जाएंगे, मार्च अप्रैल मई और जून में तो आपने बेच ही दिया, तो कितने हो जाएंगे, 3। तो एक मंथ का कितना है, 417 रुपए, तो 3 का इंटू कर देंगे। फिर यहाँ पे आता है डे। अब डे का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, अब हमने बोला कि 85 डे आपने उसे यूज किया, तो आप ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि आपके जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, इनको प्लस कर दें, ऐसा तो करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने एक और तरीका बताया था यहाँ पे यूज डिलीट कर, एक रो एक्स्ट्रा अपना डिलीट कर दें, हमने यहाँ पे लिखा था यूज डे, तो यहाँ पे हमने ये लिख कर बताई थी डेट। आप क्या करती हैं, यहाँ पर डेट लिखेंगे, कौन सी डेट, जिस डेट को आपने प्रिंटर खरीदा है वो वाली डेट। जैसे मान के चलिए आपने 1 फरवरी को खरीदा है 2023 में, और बेचा कब है आपने, नहीं फिर वो तो मंथ हो जाएंगे, तो मंथ का तो आप नॉर्मल निकाल ही लेंगे, हमें डे में करना है। ठीक, आपने 14 नवंबर को बेचा है 2023, अब आपको डेज निकालने हैं कितने दिन हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे आप जो आपकी सैलरी, देखिए दोनों आपको सेम रहेगा निकालने में, फिर वो चाहे इसका सैलरी एड्रेस ले पहले या फिर इसका ले, बस डिफरेंस इतना रहेगा कि आप अगर परचेज की पहले लेंगे डेट तो माइनस में आएगा आपका, जबकि अपन माइनस में नहीं लेते। अगर आपको माइनस में लेना है, अपन नॉर्मल याद के लिए कि हाँ इतना है, तो आप माइनस हटा देते हैं और वैल्यू लिख लेते हैं, बट अपन ऐसा करें क्यों, तो अपन पहले सेलिंग की डेट ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं परचेज की डेट को, एंटर कर देते हैं। तो आपने कितने दिन उसे यूज किया है, 286, 286, 286, 286, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज डे निकल गए आपको, तो एक दिन का कितना है, 14, 14 रुपए है, तो यहाँ पर 286 का निकाल लेंगे आप, कैसे, इक्वल करेंगे पर डे का डेप इनटू यूज डे, एंड कितना आ रहा है, 3918। तो आपका इतना डेप लग जाएगा उस संपत्ति पर। आ जाइए, तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कैसे, इक्वल करेंगे आप कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस और माइनस क्या कर देंगे आप, यूज डे डेप, ठीक है, आप यहाँ पे कर देंगे, आ जाएगा कितने रुपए में जाना सही है, वो आपका इतने में जाना सही है। लेकिन अब सामने वाले ने कितने का ले लिया, कितने का बेच दिया आपने, 30,082 का, अरे ये तो लॉस आया है आपको इतना। देखिए मान के चलिए आपने उसको बेच दिया है 42,000 का, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो इक्वल करेंगे नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस, माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, एंड तो कितने का लॉस हुआ है, 4,082। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बेचना कितने में था, 46,082 में बेचना था, लेकिन बिका कितने में है आपका, 42,000 में, तो इतने का आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो डेप कितना लगा उस पे, 3,918, इतना उस पे मूल्यह्रास लग गया। तो मूल्यह्रास की एंट्री करेंगे अपन ना टैली में, तो जब भी आपका मूल्यह्रास लगता है तो उसकी एंट्री होती है जर्नल वाउचर में, तो आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बाय में क्या आएगा आपका, डेप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को अपन बाय करते हैं, तो अल्टर सीसी आप उसका लेजर बना लेंगे, अंडर में ये कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितने रुपए, 3,918, 3,918, 3,918 है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 3,918 लिख देंगे, एंड टू में क्या जाएगा, संपत्ति का नाम प्रिंटर। अब
अब आप इसको बेच रहे हैं, अभी अपन नगद बेचने की करते हैं, फिर नेक्स्ट अपन उधार बेचने की कर लेंगे। अब आप उस संपत्ति को नगद बेच रहे हैं तो किस वाउचर में होगी एंट्री? रिसीव्ड वाउचर में। तो आप यहां से करेंगे रिसीव्ड वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब आपका यहाँ पे टू में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा? टू में असेट्स का नाम क्यों? क्योंकि अब आपके पास संपत्ति जा रही है और जो जाता है उसे क्या करते हैं? टू करते हैं। तो अपन यहाँ पे लेते हैं प्रिंटर, एंटर किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कितने का बेचा है आपने उसको? 42,000। हाँ नगद बेचेंगे तब होगी, और उधार बेचेंगे तो जनरल में हो जाएगी। एंटर। टू बाय में क्या जाएगा? कैश। क्यों? क्योंकि कैश आपको मिल रहा है। अब आपको इस पे लॉस हुआ है 4,082 रुपए का, तो उसकी लॉस की एंट्री होगी जनरल वाउचर। जब भी आपको लॉस होता है तो बाय में आता है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पहले से बना रहता है इसमें लेजर, और अगर प्रॉफिट होता है तो टू में आ जाता है। प्रॉफिट वाली भी हम आपको एंट्री करके बता देंगे कि किस टाइप से करते हैं, पहले अपन ये कर लेते हैं। तो अपन इसमें क्या कर देंगे? बाय में प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए? 4,082, और टू में आ जाएगा संपत्ति का नाम। तो देखिए जीरो बता दिया उसने, मतलब आपकी एंट्री सही है। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। एक तरीका तो ये रहता है आपका यहाँ पे देखने का कि यहाँ पे उसने जीरो अमाउंट बता दिया। दूसरा रहता है आपका बैलेंस शीट, बी प्रेस करेंगे, यहाँ पे फिक्स असेट्स है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओनली फर्नीचर आ रहा है, वो भी 10,000 रुपए। यहाँ पे नहीं आ रहा प्रिंटर, मतलब आपने खरीदा तो था पर उसको बेच भी दिया। अब आपकी बैंक में आपके पास नहीं है प्रिंटर, और जो आपके पास नहीं है वो आपके बिजनेस में उसको क्यों कराएगा? है ही नहीं है आपके पास। तो आ जाएगा आप सभी को, कुछ और पूछना हो तो इसमें पूछ लीजिए। अभी अपन ने नगद संपत्ति खरीदना, उस पर मूल्यह्रास लगाना और बेचना सीखा। उधार वाली अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। हम आपको उधार संपत्ति खरीदना और बेचना कंबाइन वाली करके बता देंगे, अलग अलग भी बता देंगे और कंबाइन वाली करके बता देंगे। कंबाइन करते ना एक साथ सारी एंट्रियां कर देती हैं उस टाइप से। कुछ और क्या? एक ही एंट्री में हो जाती है मतलब? हाँ कुछ नहीं पूछना, क्लोज कर दें।